हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज का हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है द मार्क्स ऑप्टेन इन मैथमेटिक्स बाई थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ ऑफ सर्ट इन स्कूल आर गिवन इन द टेबल सो मार्क्स ऑप्टेन बाई थर्टी स्टूडेंट्स आर गिवन हियर इन द बिलो टेबल फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स तो हियर यहाँ पर हमें मीन फाइंड करना है ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवेन है डेटा सो फर्स्ट मीन फाइंड करने के लिए थ्री मेथड्स हैं डायरेक्ट मेथड एज्यूम मीन मेथड एज्यूमी मेथड और आज हम देखेंगे कि हम कैसा इजी वे में डायरेक्ट मेथड एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन की फॉर्मूलिस याद रख सकते हैं स्टेप डिविएशन मेथड और एज्यूम मेथड ग्रुप डाटा के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं और जहां पर वैल्यूज बड़े वाले होंगे वहाँ पर यहाँ पर मीन का सिंबल है एक्स बार मीन समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन और सिग्मा एफ आई ये डायरेक्ट मेथड का हो गया इसमें भी सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई एक्स आई की प्लेस पे सिग्मा एफ आई डी आई आता है यहाँ पर सिग्मा एफ आई यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई की प्लेस पे एफ आई यू आई तो डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग एक्स आई है वहाँ पर यहाँ पर डी आई है यहाँ पर यू आई है तो ये डायरेक्ट मेथड का तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड है तो एज्यूम मीन लेना पड़ेगा ए प्लस अब ये स्टेप डिविएशन मेथड है ए प्लस है इसमें और इन टू एच इन ब्रैकेट्स सिग्मा एफ आई यू आई एंड सिग्मा एफ आई तो ये थ्री फॉर्मलेस आप इजी वे में याद कर सकते हैं तो सिर्फ डिफरेंस ए और एच का है लास्ट वाले में और सेकेंड वाले में ए का सो तो यहाँ पर आप डिस्क्रीट डेटा देख सकते हैं तो ये डायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा आपको उसमें अगर वैल्यूज़ ग्रुप डेटा में है और बड़े वाले हैं तो एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि क्लास इंटरवल्स में होते हैं वैल्यूज़ वन ट्वेंटी टू वन फोटी ऐसे वैल्यूज़ होते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी बड़े हैं तो आप एज्यूम मेथड यूज़ करें या फिर स्टेप डिविएशन यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे ये जो फॉर्मूले से मीन के ग्रुप डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं अब बात आती है इसके डिस्क्रीट डेटा ये कौन सा डेटा है डिस्क्रीट डेटा कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रुप डेटा में वैल्यूज़ नहीं है डिस्क्रीट डेटा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये डिस्क्रीट डाटा है डिस्क्रीट डाटा यहाँ में वैल्यूज़ ग्रुप्स में नहीं है सो तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम जो क्वेश्चन में थे सेम एज इट इज़ कॉपी कर लिए है मार्क्स ऑप्टीन फर्स्ट कॉलम सेकेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो तो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड यूज करना है क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा है डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो इसको बॉक्स में लिख लेते हैं मीन इक्वल्स टू मीन इज़ नथिंग बट एवरेज मीन एवरेज को कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगी ये हमारे फ्रीकवेंसीज है ये मार्क्स ऑप्टेन क्या है ये ऑब्जर्वेशन से नंबर ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय द स्टूडेंट्स ये फ्रीकवेंसीज है तो फॉर्मूले में फ्रीकवेंसीज को ऐड करना है सिग्मा एफ आई और ये एन से भी डिनोट करता है इसको सबको ऐड करो आप लोग वन प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू हो जाएगा वन प्लस थ्री प्लस फाइव फाइव नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर एटीन एटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस वन वन टोटल हो जाएगा थर्टी ओके थर्टी वैल्यू आ गई अब जो है सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई की वो हो गया है अब एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई में फाइंड करना है अब आपको एड करना है तो पहले सिगमा एफ आई तो एफ आई एक्स आई तो लेना है यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई एफ आई और एक्स आई के वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग टेन इंटू वन टेन ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी थर्टी सिक्स इंटू थ्री वन नॉट एट फोर्टी इंटू फोर 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 ज़ा सिक्सटीन वन सिक्सटी फाइव फिफ्टी इंटू थ्री फाइव थ्री था फिफ्टी वन फिफ्टी फिफ्टी सिक्स इंटू टू वन ट्वेल्व सिक्सटी इन्टू फोर सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर टू फोर्टी सेवेंटी इंटू फोर टू एटी सेवनटी टू वन से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें आपको इसके वैल्यूज एडअप करना है सिग्मा मतलब समीशन ऐड करना है एफ आई एक्स आई के तो फॉर्मूला देख के आप लोग सब पहले उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाए यहाँ पर एटी एट इंटू टू एटी एट इंटू टू टू एट सिक्सटीन टू एट सिक्सटीन वन सिक्स आता है फिर उसके बाद नाइन्टी टू इंटू थ्री करना है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये वर्क में करते हैं मल्टीप्लीकेशन टू सेवेंटी सिक्स नाइन्टी फाइव तो ये इसका ऐड करना है न्यूमरेटर में लिखना है सिग्मा मतलब समीशन एफ आई एक्स आई अब इसको ऐड अप करने के बाद वैल्यूज़ आते हैं मैंने इसको रफ वर्क में करना है फिर इसके वैल्यूज़ वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी नाइन आ गया अब सिर्फ फॉर्मूले में सब्सिड्यूट करना है उसके बाद डिवाइड करेंगे तो आपको मीन आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई वो सिगमा एफ आई एफ आई एक्स आई की वैल्यू है वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी नाइन और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई है थर्टी अब इसको कैंसिलेशन करते हैं थर्टी थ्री फ़ाइदा फिफ्टीन होता है तो थर्टी फ़ाइदा वन फिफ्टी होगा माइनस सेवन सेवन ट्वेंटी सेवन नाइन तो थ्री से ट्वेंटी सेवन होता है तो थ्री से टू सेवन थर्टी नाइन से टू सेवेंटी होगा टू सेवेंटी माइनस नाइन अच्छा पॉइंट लेके अब ज़ीरो से थर्टी थ्री इजा नाइन्टी हो गया अब ये जो हमारा क्वेश्चन है फिफ्टी नाइन पॉइंट थ्री ये हो जाएगा मीन देअर फोर द मीन ऑफ मार्क्स द मीन ऑफ मार्क्स जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था मीन ऑफ मार्क्स आर फिफ्टी नाइन पॉइंट थ्री